सो लास्ट टाइम जब हमने ये वाला एरिया क्रॉस करा था ना, तो यहाँ पे खूब तगड़ी धूप निकली हुई थी एंड इट वाज लाइक गुड वेदर एंड इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत कम पानी था। अभी तो भाई बड़ा तेज़ पानी है इधर यार। तो भैया बारिश अब थोड़ी हल्की हो गई, अभी तक तो बड़ी ताबड़तोड़ भाई बारिश थी कसम से। एंड सुरेंसर लेक पहुंच चुके हैं अब इसके उस तरह। सुरेंसर लेक है, पहले मैंने सोचा था कि अगर टाइम रहा या हम टाइम से पहुंचे तो मैं दिखा दूंगा, बट पहले तो क्योंकि वहां पर यार इतना टाइम वेस्ट हुआ एक घंटा करीब, उसके बाद यहाँ पर जो इस टाइम पर बारिश का वो चल रहा है ना, जैसे लंबी लंबी लाइन चल रही हैं ट्रक्स की बसेस की, सो आई थिंक उधमपुर पहुंचना चाहिए अभी। एंड लेक यार कभी और के लिए रखते हैं, दो बहुत ब्यूटीफुल लेक लगती है, बट ठीक है अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अभी बढ़ते हैं यार आगे डेस्टिनेशन के लिए। सो यार धूप के थोड़े दर्शन हुए हैं, 2 घंटा 7 मिनट और दिखा रहा है, 72 किलोमीटर्स टू गो। टाइम हो चुका है 2:07, एक्सपेक्टेड रीचिंग टाइम 4:30। बाकी कह नहीं सकते क्योंकि सामने ये बादल तो दिख रहे हैं, पता नहीं है पटनी टॉप की तरफ है कि किधर की तरफ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप मूविंग। सो यार गाड़ी में थोड़ा सा ना उसका नीचे का गार्ड लटक गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा सही कराई में, तो मैकेनिक भैया के पास रुके थे एंड अब निकलेंगे टूवर्ड्स उधमपुर। आई थिंक यहाँ से करीब ही सेइंग कि इट्स 25 समथिंग, सो 45 मिनट्स एक्सपेक्टेड ड्राइव। लेट्स सी फटाफट यहाँ पहुँचा जाए। सो भैया पहुँचने वाले हैं तावी रिवर के ब्रिज पे, जिसके बाद शुरू हो जाएंगी पीर पंजाल रेंजेस। एंड ये जो अगर आप देख रहे हैं सामने कैमरे में, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, पीर पंजाल का जो जो श्रीनगर तक बिजली जा रही है फ्रॉम पंजाब, दिस इज़ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत सारे इस पर नेशनल ज्योग्राफिक में भी एक आया था पूरा शो प्रॉपर। डोंट नो कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो जी खूबसूरत नज़ारे अब शुरू होने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि जितने दिखा पाए दिखाएं, लेकिन पहले उधमपुर पहुंच जाएं। तो ये जा रही है ट्रेन, दैट इज टूवर्ड श्रीनगर शायद, नॉट प्रीटी श्योर, बट शायद ये वही वाला है। ऊपर से सारी ट्रेन निकल जाएगी, ओस वाले पुल से हम निकल जाएंगे। पिछले यार वो चट्टान पूरी नंगी तो नहीं कह सकते, मतलब इतनी थी शायद सामने वाली, अभी जब सामने पहुँचेंगे ना तो दिखेगा कि कैसी लग रही है। वो लास्ट वाली वीडियो में अगर आप देखोगे ना मेरी देहरादून टू पटनी टॉप दूसरी वीडियो में शायद, तो वाली चट्टान है दूसरी या तीसरी वीडियो में, ऐसी बड़ी सी लगती है। अभी पहुंच के दिखाता हूँ वहीं पे सामने, बहुत ट्रैफिक यार, हद मची हुई है आज, मतलब इतनी देर लग रही है ना, 3 बजने वाला है, 4 बजे के निकले, 11 घंटे हो गए निकले हुए यार, 11 घंटे हो गए आज, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मज़ा नहीं आ रहा है। अभी पहुँचेंगे ना पुल पे, वैसे हमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं दुनिया में इस टाइम पे, जो इतने तगड़े कांड होने के बाद हिमाचल में लद्दाख के लिए निकल गया है, सभी आदमी की वजह से। ये जो आदमी बैठा ना मेरे बगल, इसकी वजह से। अभी सामने के नज़ारे देखो आप चट्टान के, हाँ पिछली बार भी ऐसा ही कोई लुक था, बड़ी प्यारी सी लग रही थी, आज भी लग रही है खूबसूरत। उधर के भी नज़ारे ले लो थोड़े से, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। सो गाइस क्रॉसिंग द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और यू कैन से द कैंट उधमपुर का, यहाँ से उधमपुर शुरू हो जाता है, बट स्टिल जहाँ से हम लोग उस रोड पे आएंगे ना जम्मू श्रीनगर वाली पे, इट्स राउंड अबाउट 9 किलोमीटर्स टू गो, उसके बाद वील बी हेडिंग टुवर्ड्स पटनी टॉप।
खूबसूरत ड्राइव रही आज की, लेकिन टाइम बहुत लग गया बिकॉज ऑफ फ्यू इशूज़ डेफिनेटली। ऑलमोस्ट 3 बज चुका है, 2:58। सो हाँ, ब्यूटिफुल बट अ बिट लेंदी ड्राइव टुडे, लेंदी। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया तुमने घर से अब तक? 618 किलोमीटर्स कवर्ड सो फार इन अराउंड 11 आवर्स, विच इज़ नॉट गुड एवरेज फॉर मी। 100 किलोमीटर के आसपास काम है, आई थिंक बाय नाउ वी शुड हैव, अगर ज़्यादा इशू नहीं होता तो हम लोग शायद पटनी टॉप के आसपास होते हैं। चलो एनीवेज, भैया मस्त एक्सप्रेस वे बन चुका है, 80 की स्पीड पे क्रूज कर रहा है, 5वां गियर डाला हुआ है एंड लवली रोड। हल्की बहुत ड्रिजल हो रही है डेफिनेटली, पर ठीक है, इतना तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यार इस टाइम पे। बस आई होप कल से हमें वेदर क्लियर मिले। वैसे तो फोरकास्ट श्रीनगर कारगिल का सब क्लियर था जब हमने सुबह देखा था, उधमपुर का क्लियर नहीं था, उधमपुर में इट वॉज शोइंग क्लाउडी। सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, कल का कल देखते हैं, आज पहले पटनी टॉप पहुँचते हैं। सो यार इधर ये जो पुल था ना, ये कोलैप्स हो गया है। अपन लोग लास्ट टाइम इसी पुल से आए थे और ये गया पुल, द एंटायर ब्रिज हैज कोलैप्स्ड। तो ये आगे से घूम कर आए हैं, बट यहाँ से तो रोड ठीक लग रही है, तो देखते हैं। आगे एक जगह थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, अब पता नहीं क्या होता है वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे ये पहुँच के। ये नीचे चले जाओगे अब तो पता नहीं कहाँ जाओगे, फिलहाल ऊपर हमें पटनी टॉप जाना है। अब यहाँ पे भैया मांगेंगे हमसे टोल टैक्स, जो कि है 40 रुपये। कैसा मौसम चल रहा है भैया आजकल? बारिश बारिश थोड़ी बहुत। श्रीनगर निकल जाएगा अभी, अभी अभी जाना है कल सुबह। हाँ कल जा सकते हैं अभी। अच्छा, क्यों रेंट हो रखा है क्या? हाँ ड्राइव तो यार हम भी भाई ही नहीं जाएंगे। नहीं सुबह सुबह तो मैं निकल जाऊँगा 6 बजे। अभी गुंडोला वगैरह जाना है, रोपवे। रोपवे का कितना चार्ज है सर? उसकी 1,150 टिकट पर हेड है। देखते हैं यार, अगर आप लोग अगर जाना होगा इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। अरे ना, ये पैन टिकट काउंटर शो करोगे मेरे सेल अकाउंट पे और आपको 10% डिस्काउंट। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो भैया तो बढ़िया मिल गए, उन्होंने हमें गंडोला राइड पर 10% डिस्काउंट का कूपन दे दिया, मतलब 150 रुपये, 1,150 रुपये टिकट है, लेकिन हम जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे। प्रत्युष ले चल रहा है, देखते हैं। चलो अभी सोचते हैं, पहले होटल तो पहुँचे हैं। सो ये कट्टी यहाँ पे पर्ची 40 रुपये की। सो भैया जो सामने होटल है, होटल नटराज इंटरनेशनल, इसमें हम लोग पिछली बार रुके थे, मैं पापा कृति जब आए थे, बट इस बार इसमें रूम महंगा था तो यार हमने नहीं करा बुक। अब मैं और प्रत्युष ने थोड़ा बजट फ्रेंडली भी रखना है ना ट्रिप को, इसलिए अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा है। भैया होटल परेन कौन सा है? गाड़ी चली जाएगी? तो भैया आके गए हैं लेट होटल में, क्योंकि ना बहुत थक गया हुआ यार मैं तो, सच में ज़्यादा हो गया आज।
ज़्यादा क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा ना हैक्टिक उस टाइम की वजह से हो गया। आते ही अपना काम में लग गए, मीटिंग तो मिस हो गई भाई क्योंकि 4 बजे से थी, ज्वाइन ही नहीं करने दे रहा कोई, मैंने ट्राई भी करा था। रूम इज जस्ट सो दिखा दे रहा हूँ, सो दैट इज़ दी एंट्री। दिस इज़ अवर बेड, वो एक टीवी लगा हुआ है, छोटा सा काउंटर है, वो अलमीरा है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा क्यों एक्सेस कैसे करें क्योंकि वहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, यहाँ पे एक सोफ़ा, इधर वॉशरूम है जो कि बस सो है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है इस रूम के बारे में, बस वो मैं दिखा दे रहा हूँ। पिछली बार की तरह व्यू थोड़ा सा ठीक है क्योंकि वो सामने अगर आप देखोगे तो वो तो मार्केट है, वो सारा मार्केट है इधर का छोटा सा, वहीं पे पिछली बार हमने मैगी खाई थी। बट अपना वो पुराना वाला होटल वो है उस तरफ जिसमें पिछली बार रुके थे, होटल नटराज इंटरनेशनल, वहाँ से व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलो ठीक है, इससे भी काम चल ही जाएगा, ऐसा कोई बुरा नहीं है। गाड़ी वो खड़ी हुई है सामने, दिख रही होगी आपको खड़ी हुई, ठीक है। सो जा रहे हैं नीचे मार्केट की तरफ कुछ खाने पीने, एंड इस होटल का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मार्केट के बिल्कुल सामने है, तो आपको ज़्यादा ऊपर चढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नज़ारे उतने प्यारे नहीं हैं लेकिन ठीक है, काम चलो है। क्यों प्रत्युष, होटल ठीक है, सही है, बढ़िया सही है, बढ़िया तो नहीं कहेंगे, बैचलर्स के हिसाब से ठीक है, फैमिली के हिसाब से भी ठीक है। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ बजट प्रॉपर्टी, यस दिस इज़ द प्लेस यू कैन स्टे। हमें 1587 का ये होटल पड़ा है थ्रू गोवा एबीबो, दो लोगों के लिए फॉर अ नाइट विदाउट एनी मील। अब खाने के रेट इज़ इवन फाइन, लाइक येलो दाल इज़ 120, दाल मखनी इज़ 150, सब्जियाँ भी 150-180 ऐसे ही हैं, रोटी 15 की है, सो आई थिंक इट्स प्रीटी डिसेंट। चलो मैगी वैगी खाएँ फिर ऊपर चलेंगे होटल में। तो भैया मैगी खाने आए हैं एंड यहाँ पे भैया कुर्सी लगा रहे हैं, ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ। अच्छा वो लगे एप्पल, वो एप्पल के ट्रीज लगे हुए हैं, लौंगों में सेब खाने गए थे, और मक्की है या फ्रूट का लाल वाला। अच्छा वो छोटे वाले आड़ू है और नाशपाती, बड़े बड़े आड़ू होते हैं नाशपाती वाले, ठीक है सर। मैगी बिना मिर्च के, प्लेन मैगी, सो ये रहा इधर नाग मंदिर, और इधर से अपन को जाना है ऊपर अपने होटल के लिए। ये पहले होटल शिकारी करके कुछ ऐसे नाम था इसका, पता नहीं, अभी फ़िलहाल होटल परेन है। सो इस बंदे ने भी लीज़ पे ले रखा है, अभी ही लिया है इसी साल लीज़ पे, नाउ दे आर रनिंग इट। गाड़ी चली गई इजीली, इतना कोई इशू नहीं हुआ। अब जिस शॉप पे मैगी खाई ना, वो कह रहा है कि इधर से ही रास्ता है ऊपर जाने का, पता नहीं, अब देखते हैं। सो भैया आ चुके हैं होटल, मैगी खा के अब कर रहे हैं आराम, डेटा लगा दिया है ट्रांसफ़र पे, अब जितने में ये होगा उतने में हम लोग थोड़ी देर में खाना वाना ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, और आज थोड़ा जल्दी सो जाएंगे। फिलहाल द गुड न्यूज़ इज़ कि सामने मुझे पहाड़ पे धूप दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी बिकॉज ये कम्प्लीट वाइट हो रही है विंडो। चलो मैं दिखाई दूँ थोड़ी सी, इस तरफ आ गई, इस तरफ। सो इट्स गुड कि थोड़ा सा वेदर सनी है, एंड यार आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा आई थिंक कल का, एंड डेफिनेटली कल का ही होगा, व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर श्रीनगर। प्लान तो सुबह जल्दी निकलने का है, बाकी देखते हैं किस टाइम तक निकल पाते हैं। तो चलो जी, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल, चैनल पर नए हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।